नॉलेज मैनेजमेंट के मॉडल्स में एक बड़ा पॉपुलर मॉडल है वीक। इसका पूरा नाम है वीक मॉडल फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग नॉलेज इसके इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड पे बात करते हैं आ, ये वीक ने के वीक इनका पूरा नाम है 1993 में अपनी इस किताब में इस मॉडल को पेश किया नॉलेज मैनेजमेंट फाउंडेशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हाउ पीपल एंड ऑर्गनाइजेशन क्रिएट रिप्रजेंट एंड यूज़ नॉलेज Uh, इस मॉडल में इन्होंने uh, ये बताया in, in useful, कि इन ऑर्डर टू नॉलेज इन इन ऑर्डर फॉर नॉलेज टू बी यूज़फुल कि नॉलेज को यूज़फुल बनाने के लिए एंड वैल्यूएबल इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज कि नॉलेज को हासिल करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज़ करना होगा उसके नतीजे में नॉलेज जो है वो यूज़फुल और वैल्यूएबल होगा नॉलेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वॉट द नॉलेज विल बी यूज्ड फॉर के नॉलेज का जो इस्तेमाल का पर्पस होगा उसके लिहाज से नॉलेज को डिफ़रेंट uh, तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना होगा नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का कोई जनरल फार्मूला नहीं है इन आवर मेंटल मॉडल्स वी कैन टू स्टोर आवर नॉलेज एंड नो हाउ इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटिक नेटवर्क्स तो इन्होंने वीग ने सीमेंटिक नेटवर्क्स का एक आइडिया पेश किया कि किस तरह से नॉलेज को इंसान सिमेंटिक नेटवर्क्स में ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद उसमें से सर्च करके या रिट्रीव करके यूज़ करता है वी कैन देन चूज़ द अप्रोप्रिएट परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द कोग्नेटिव टास्क एट कि जो भी हमारे सामने एक इलमी या अमली मसला पेश आता है उस मसले को हल करने के लिए हम एक जो है वो अप्रोप्रिएट परस्पेक्टिव सोचते हैं अब यहाँ परस्पेक्टिव का मतलब ये है कि जो मसला सामने है उस मसले की रोशनी में इस नॉलेज को यूज़ करने का एक पर्पस होगा और उस पर्पस को सर्व करने के लिए हम कोई अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे इस मेथड की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये हैं इट गिव्स अ पावरफुल थ्रेटिकल अप्रोच ऑफ कैटेगराइजिंग द टाइप्स ऑफ नॉलेज इन्होंने वीग ने टाइप्स ऑफ नॉलेज की कैटेगरीज बता दी हैं और ये एक पावरफुल थ्रेटिकल फाउंडेशन बन गई है नॉलेज uh, मैनेजमेंट की थेरी में इट इज़ अ मोस्ट प्रैगमेटिक मॉडल एंड कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी अदर मॉडल तो ये प्रैगमेटिक मींस ये बहुत प्रैक्टिकल नेचर का मॉडल है ये फिजिबल है एप्लीकेबल है डिफरेंट uh, सिचुएशनस में और नॉलेज मैनेजमेंट के दूसरे मॉडल के साथ मिल के ये आसानी से काम कर सकता है एक और इसकी स्ट्रेंथ है इट अनेबल्स प्रैक्टिशनर्स टू अडॉप्ट अ मोर डिटेल्ड और रिफ़ाइंड अप्रोच टू मैनेजिंग नॉलेज तो ये जो इन्होंने कैटेगराइजेशन uh, की है और नॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन के तरीके बताए हैं इन तरीकों की मदद से ये मॉडल अडॉप्ट करते हुए प्रैक्टिशनर बड़ी आसानी महसूस करते हैं